चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हूँ बैंगन आलू का कलौजी। चलिए बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, हम बैंगन को बीच से कट कर ली हूँ, आलू को गोल गोल कट कर ली हूँ। और चलिए बनाते हैं कलौजी। बनाने के लिए हम 3 से 4 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन का कलियाँ, 1 प्याज लेंगे। इसको हम सिलौट से पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, सिलौट पर जा रहे हैं पीसने। धनिया पाउडर 1 चम्मच, अमचूर पाउडर थोड़ा सा 1/2 चम्मच, हम मिर्चा पाउडर ले हूँ, गरम मसाला 1/2 चम्मच ले हूँ, जीरा पाउडर ले हूँ, हल्दी 1 से 1.5 चम्मच ले हूँ, नमक स्वाद अनुसार ले हूँ, और सरसों 1/2 चम्मच ले हूँ। चलिए सब मसाले को हम भून लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम अब मेथी ही ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड, प्याज और लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। अब पूरे मसाले को हम ऐड करेंगे, इसको भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे। मसाला भुना गया है, अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। 1 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड, ठंडा हो चुका है, अब हम बैंगन में इसको भरेंगे। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो यह लिखड़ जाएगा। देखिए कितना अच्छे से भरा गया। इसी तरह हम सब बैंगन को भर लेंगे। देखिए बैंगन में सब मसाला हम भर देंगे। अब आलू में हम अब भरेंगे थोड़ा थोड़ा। इसी तरह पूरा आलू को हम भर देंगे। आलू को भी हम भर दी हूँ। अब चल रही हूँ फ्राई करने। गरम हो चुका है, इसमें हम एक एक करके ऐड करेंगे। हम ढक के पकाएंगे। हम आलू को भी फ्राई करने के लिए रख दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड, अब इसको हम इधर उलट लेंगे कि दोनों तरफ हो जाए। फ्रेंड हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे। हमारा कलौजी बन के तैयार हो गया। आपको ये रेसिपी कैसा लगे? अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।